तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कूल इंजीनियर। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक पर आपको बहुत सारी रिक्वेस्ट आती होगी, उसमें से बहुत सारे लोग फेक अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि गर्ल्स की रिक्वेस्ट आती है तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट वो गर्ल्स की फेक अकाउंट होती है, जो कि काफ़ी लड़के ही चला रहे होते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने पहचान सकते हैं कि वो ओरिजिनल अकाउंट है या नहीं, किसी भी गर्ल्स का हो या फिर बॉयज़ का हो। तो बता दूँ तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, और साथ में लाइक कर दे वीडियो को, और अच्छा सा कोई भी कमेंट कर देना अगर आप चाहो तो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं अपनी ओपन आईडी में आ गया हूँ, तो यहाँ पर आप मेरी फेसबुक की आईडी आज देख सकते हो। अगर आप चाहो तो मुझे ऐड कर सकते हो, सिंपली मेरे डीपी पे 15-20 कमेंट करना है तो मैं सिंपली आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, तो आप भी हमारे फ्रेंड हो जाएगी, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते। तो गाइज, आपको सबसे पहले बता दूँ तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी रिक्वेस्ट बॉक्स में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं, बहुत सारे लड़के के कमेंट आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे रिक्वेस्ट आती है मुझे। तो यहाँ पर मैं किसी भी लड़की का अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की का अकाउंट है, तो सिंपली उसको क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आपने इसकी डीपी है, यहाँ से उसे सेव कर देना है, तो सिंपली मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो गाइस, क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि पीछे आप सेव नहीं कर सकते हो, तो कभी कभी प्रॉब्लम आता है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो आपको क्या करना है गाइस, इससे तो ओरिजिनल अकाउंट में कोई भी लड़के का अगर अकाउंट होगा, तो उस अकाउंट में अंदर कोई भी लड़की अपनी किसी भी मॉडल की या फोटो डाल देती है, तो इस तरीके से आप कैसे बता सकते हैं कि ओरिजिनल अकाउंट है या नहीं, या फिर उसकी खुद की फ़ोटो है या किसी मॉडल की फ़ोटो है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो कैसे बता दें। तो इसकी स्क्रीनशॉट हमने ले ली है, अब सिंपली अभी क्या करना है, हमें जाना है गूगल क्रोम के अंदर, आप किसी भी ब्राउज़र से उसे देख सकते हैं। तो सिंपली हमें google.com पे सर्च कर देना है। तो यहाँ पर मैं नया टैब ओपन कर लेता हूँ, तो हमें google.com ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डेस्कटॉप मोड कर देना है। अगर आप पीसी से करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मोबाइल से करते हो तो आपको डेस्कटॉप मोड यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ पर 3 डॉट्स करके इसे डेस्कटॉप मोड पर ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल में सर्च कर देना है, गूगल के अंदर ही आपको google.com पे सर्च कर देना है, और यहाँ पर आपको गूगल की मेन ऑफिशियल साइट पर चला जाना है। और यहाँ पर आपको जो 3 डॉट्स दिखाई दे रही, तो सिंपली आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट ऑन कर देना है। अब करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में ऑप्शन दिखेगा जीमेल के साइड में इमेज, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली इसे इमेजेस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको गूगल के सर्च बॉक्स में यहाँ पर आपको कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड एन इमेज पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो जो हमने सेलेक्ट की थी वो अपनी गैलरी से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो मैंने अभी भी स्क्रीनशॉट ली है, तो उसको मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोडिंग फाइल हो रही है और गूगल सर्च हो गया है। तो गूगल सर्च होने के बाद आपको बहुत सारे जो फोटो है उसके रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर फोटो आपको दिखाई दे रही है, तो जो कि आपको पता सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दे रहा है कि इसका नाम ओरिजिनल नाम क्या है, और ये क्या है, ये मॉडल है, उसके साथ बहुत सारे इसकी फ़ोटोज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। तो ये जो कंफर्म हो गया गाइस, तो यहाँ पर उनके नेम भी लिख कर आ रही है कि ओरिजिनल नेम इसका क्या है। तो यहाँ पर जो है जो इसका यहाँ पर हमने गूगल सर्च किया, तो उसका ओरिजिनल नेम कुछ अलग आया, तो ये हमें पता देगा तो ये अकाउंट यहाँ पर फेक अकाउंट है। तो हमें सिंपली इसे क्या कर देना है, रिस्पॉन्स करके इसकी रिक्वेस्ट को डिलीट कर देंगे अब कुछ इस तरीके से। तो आप भी पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको भी फेक अकाउंट्स आ रहे हैं या ओरिजिनल अकाउंट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही था वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।